हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब फ्रेंड्स लोग? तो आइए सीखते हैं कुछ और नया। हम आगे काफ़ी सारे लेसन्स मैंने अपलोड किए हैं, तो आप ज़रूर वो लेसन्स को देखिए और अपने अपने इम्प्रूवमेंट कीजिए, लय में, रिदम में, ढोलक पे, तबले पर, या और भी कहीं भी बैठे हो। अगर जिसको लय का शौकीन है, रिदम का शौकीन है, वो चाहे टेबल पे बजाता रहे, कहीं भी जहीं भी बैठा, अगर यही शौक होता है, जुनून होता है अंदर से, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जहाँ कभी भी टाइम मिलता है। इसका कोई समय नहीं है, जिस समय मर्जी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, तो कम से कम आधा घंटा 15 मिनट रोज़ की प्रैक्टिस आप कीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट रहती है, हाथ चालू रहते हैं, तबले पर लेवल बना रहता है। तो आइए, तो आप कुछ गानों के हिसाब से हो जाए। तो मैं कल गाना सुन रहा था पत्थर के सनम, वो रफ़ी साहब का, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, समथिंग ऐसे। तो उसका रिदम मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो वही कहरवा है, तो इसमें मुश्किल भी, मैं आपको बताता हूँ ये बोल कैसे निकाल। ओके, तो ये आ जाता है यार की धी, इसमें धी जो थोड़ा स्लाइड करना है, इसका जो धी धा धी, ये ओके, ये धी इधर का और इधर का स्लाइड का हिट करना, ये धी धी, फिर धा धा, थोड़ा सा पीछे, पहले धी आगे, धा धी, ये एक बोलोगे ना, धी धा धी ना, ओके, धी धा धी ना धी ना धी ना, धी धा धी ना धी ना धी ना, धी धा धी ना धी ना धी ना। फिर बताता हूँ, इसमें आएगा धी धा ये और भी काफी गानों पे बजता है ये ठेका, ये जो ताल है, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का, ओके, ये धी धा धी ना ती ना धिन, धी धा धी ना ती ना धिन, ये धी धा ती, मैंने सभी पिछले लेसन में मैंने बताया है कहाँ कहाँ से निकलेगा, फिर भी इस लेसन में बता रहा हूँ, धी हो गया धा धी ना अकेला ती ना धी ना, ओके, धी धा धी ना ती ना धिन, धी धा धी ना ती ना, थैंक यू फ्रेंड्स।